हेलो स्टूडेंट्स, आज हम रियल टाइम पीसीआर टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे जो कि इसका पार्ट बी है। पार्ट ए में हमने पीसीआर या कन्वेंशनल टेक्निक के बारे में पढ़ा था। ये ऐसी टेक्निक है जिसमें हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं कि हमारा जो पीसीआर का जो रिएक्शन हो रहा है वो रियल टाइम में कैसा हो रहा है। तो इसमें हम स्मॉल अमाउंट ऑफ पीसीआर जो प्रोडक्ट है उसको भी क्वांटिफाई कर सकते हैं। ये जो विधि है ये बेस्ड है ऑन द डिटेक्शन ऑफ फ्लोरोसेंस, कि फ्लोरोसेंस कितना प्रोड्यूस हुआ, कोई भी रिपोर्टर मॉलिक्यूल है वो कितना फ्लोरोसेंस दे रहा है। फ्लोरोसेंस जितना दे रहा है उतना आपका रिएक्शन प्रोसीड अप कर रहा है, इसलिए हम इसको कहते हैं क्वांटिटेटिव पॉलीमरेज चेन रिएक्शन या QPCR। अब ये एक बहुत पावरफुल टेक्निक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की, क्योंकि इसमें हम एक्सपोनेंशियल एम्प्लीफिकेशन करते हैं DNA सीक्वेंसेस की। तो ये जो टेक्निक है, जैसे कि ट्रेडिशनल टेक्निक में भी हम प्राइमर्स को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। प्राइमर्स क्या होंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंसेस के साथ में अटैच करेंगे, ये एक्सटेंशन होगा DNA पॉलीमरेज के द्वारा, और उसके बाद में जो कॉपीज आपकी बनेंगी आफ्टर एक्सटेंशन उनको हम कहेंगे एम्प्लीकॉन्स। ये जो एम्प्लीकॉन्स हैं ये बनते हैं आफ्टर एक्सटेंशन और दे आर री एम्प्लीफाइड विद द सेम प्राइमर। तो इससे क्या होगा कि आपका जो DNA मॉलिक्यूल है, टारगेट मॉलिक्यूल है, उसके आपको एम्प्लीफाइड कॉपीज रियल टाइम में यहाँ पे आपको प्राप्त होती हैं। ये जो टेक्निक है वो ओवरकम करती है एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम को, जिसमें कि पहले जो PCR थी उसमें हम जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस को यूज़ करते थे एनालाइज करने के लिए कि PCR प्रोडक्ट्स आपके कितने बने हैं। वो बहुत ही ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था, उस चीज़ को इसने रियल टाइम में ओवरकम कर दिया। रियल टाइम मीन्स यू आर मॉनिटरिंग द प्रोग्रेस ऑफ एम्प्लीफिकेशन, और हम हर एक साइकिल को मॉनिटर कर रहे हैं। तो ये चीज़ आपने ओवरकम यहाँ पे कर दी। सिद्धांत क्या है रियल टाइम PCR का, सेम प्रिंसिपल जो भी हमारी कन्वेंशनल टेक्निक का था वो ही है, लेकिन हम बैंड्स को देखने के बजाय जेल में हम उसको रियल टाइम में मॉनिटर करते हैं। रियल टाइम PCR मशीन में हम वॉच करते हैं विद द हेल्प ऑफ अ डिटेक्टर, और ये जो डिटेक्टर है इससे हम इसको एनालाइज करेंगे। तो इसमें हमारी अलग अलग जो टेक्निक्स हों से हम मॉनिटरिंग करेंगे। ये जो मॉनिटरिंग होगी दे ऑल लिंक द एम्प्लीफिकेशन ऑफ DNA टू द जनरेशन ऑफ फ्लोरोसेंस। भाई आपका जितना फ्लोरोसेंस आपका जनरेट हुआ उसको आपने हर PCR साइकिल में देखा, तो जितनी भी आपकी नंबर ऑफ जीन कॉपीज होंगी वो इंक्रीज होंगी, उतना ही आपका फ्लोरोसेंस होगा। वो जो फ्लोरोसेंस होगा वो क्या निर्धारित करेगा, आपका क्या प्रोग्रेस है रिएक्शन का। तो इस तरह से हम दो प्रोब्स को कॉमनली हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, एक है SYBR और एक है टैकमैन प्रोब। SYBR ग्रीन टाइप का फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस करता है। पहले हमारे DNA का जो टेम्पलेट है उसका डीनेचुरेशन होगा, फिर पॉलीमराइजेशन होगा, और फिर सिग्नल डिटेक्शन होगा कि जैसे जैसे आपके SYBR यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे तो सिग्नल डिटेक्शन हो जाएगा। ऐसे ही टैकमैन प्रोब है, इसमें फ्लोरोफोर और क्विंचर लगा हुआ होता है और बीच में एक सीक्वेंस होती है। जैसे ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं, जो कि लास्ट स्टेप में होगा जिसमें कि आपके पॉलीमराइजेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो आपके फ्लोरोसेंस जनरेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम दो प्रोब्स के माध्यम से, रिपोर्टर मॉलिक्यूल्स के माध्यम से हम इसको डिटेक्ट करते हैं रियल टाइम में। तो रियल टाइम PCR के क्या क्या स्टेप्स होंगे, पहला होगा एम्प्लीफिकेशन। एम्प्लीफिकेशन में होंगे तीन स्टेप, डीनेचुरेशन, एनलिंग और एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन में हम डबल स्टैंडर्ड को कन्वर्ट करते हैं, डबल स्टैंडर्ड DNA इंटू सिंगल स्टैंडर्ड, तो उसका जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाएगा इंटू अ सिंगल स्टैंडर्ड DNA। और ये कब होगा, जब आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा। अब जो टेम्परेचर जब ज़्यादा होगा तो डिपेंड करता है कि अगर आपका GC कॉन्टेंट उस डिजायर्ड DNA में ज़्यादा है तो ज़्यादा समय लगेगा आपको इन कंपेरिजन टू AT कॉन्टेंट। फिर होगा एनिलिंग। एनिलिंग में कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंसेज हैं वो हाइब्रिडाइज करेंगी, और इनका जो हाइब्रिडाइजेशन होगा पर्टिकुलर TM पे बेस्ड होगा। TM इज़ योर मेल्टिंग टेम्परेचर ऑफ द प्राइमर्स। फिर होगा एक्सटेंशन 70 to 72 डिग्री सेंटीग्रेड में, और प्राइमर जो एक्सटेंशन होगा वो 100 बेसिस पर सेकंड की गति से होगा। नेक्स्ट इज योर डिटेक्शन। डिटेक्शन जो है फ्लोरोसेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर बेस्ड है। यहाँ पे हम PCR जो मशीन है जिसमें हम थर्मल साइकिल्स को ऑपरेट कर रहे हैं, उसमें हम उसको टंगस्टन या हैलोजन सोर्स में हम उसको फ्लोरोसेंस को देख सकते हैं। जैसे ही हम मार्कर को ऐड करते हैं एक सिग्नल जनरेट होगा एम्प्लीफाइड का कि भी आपकी एक कॉपी यहाँ पे निर्मित हो गई है। वो जो इमिटेड सिग्नल है आपने उसको डिटेक्टर से पहचाना, फिर हम उसको कंप्यूटर से विजुलाइज करते हैं, एक स्क्रीन में हम उसको देखते हैं कि थ्रेश होल्ड लेवल कब आपका आया। लोवेस्ट डिटेक्शन लेवल ऑफ डिटेक्टर इज़ योर थ्रेश होल्ड लेवल। तो फ्लोरोसेंस मार्कर्स हम कौन कौन से यूज़ करते हैं,
एक जो हमने देखा कि टैकमैन प्रोब है, एक हाइड्रोलिसिस प्रोब है जिसमें कि एक रिपोर्टर डाई लगी हुई होती है उसके पांचवें सिरे पर, और एक क्विंचर लगा होता है जिसको हम क्विंचर टेट्रामिथाइल रोडामिन कहते हैं, जो कि तीसरे एंड पर होता है। नॉर्मल कंडीशन में जो प्रोब होता है कॉयल्ड होता है ऑन इटसेल्फ, फ्लोरोसेंस डाई और क्विंचर पास पास होते हैं जिससे कि फ्लोरोसेंस सिग्नल नहीं जनरेट होगा। और जैसे ही आपका ऑलिगोन्यूक्लियोटाइड टैग पॉलीमरेज होमोलोगस रीजन टारगेट जीन के साथ में इसके पास में आ जाएगा तो टैग पॉलीमरेज क्या करेगा, स्टार्ट करेगा सिंथेसिस न्यू डीएनए स्ट्रैंड का, और उससे डिग्रेडेशन होगा प्रोब का पांचवें सिरे से बाय न्यूक्लियस एक्टिविटी, जिससे कि फ्लोरोसेंस और क्विंचर का सेपरेशन होगा। जैसे ही उनका सेपरेशन होगा तो फ्लोरोसेंस का एक सिग्नल जनरेट होगा, और हर साइकिल में जितने आपके नंबर ऑफ सिग्नल मॉलिक्यूल इंक्रीज हुए उतना ही आपका इंक्रीज होगा फ्लोरोसेंस का। तो उससे आप क्या पता चलेगा कि इट इज़ पॉजिटिवली रिलेटेड विद एम्प्लीफिकेशन ऑफ द टारगेट मॉलिक्यूल। दूसरा जो हम फ्लोरोसेंस मार्कर यूज़ करते हैं उसको हम कहते हैं SYBR ग्रीन, जैसा कि आपने शुरू वाली स्लाइड में देखा था। ये एक प्रकार की डाई है जो प्रोमिनेंट फ्लोरोसेंट सिग्नल को एमिट करती है जब ये बाइंड करता है डिजायर्ड डीएनए के माइनर ग्रुप से। आपको पता है कि डीएनए में मेजर ग्रुप और माइनर ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। इसको हम यूज़ करते हैं हायर सिग्नल इंटेंसिटी के लिए। ये ज़्यादातर यूज़ होता है, ज़्यादा प्रेफर्ड होता है टैकमैन प्रोब के लिए, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है हर साइकिल के एम्प्लीफिकेशन के बारे में, मेल्टिंग टेम्परेचर के बारे में भी ये इंफॉर्मेशन जनरेट करता है, लेकिन ये इतनी स्पेसिफिसिटी को नहीं प्रदर्शित करता है टैकमैन प्रोब के मुकाबले। तो इस तरह से हम इन दोनों स्लाइड्स में भी देख सकते हैं कि हाउ द SYBR ग्रीन इज डिटेक्टेड एंड टैकमैन प्रोब इज डिटेक्टेड। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फ्लोरोफोर और क्विंचर प्रोब हैं, और यहाँ पे जनरेशन है। दिस इज अनदर स्लाइड शोइंग द फ्लोरोसेंस मार्कर्स इन टैकमैन प्रोब। अगर हम देखें SYBR ग्रीन और टैकमैन प्रोब की साइकिल्स को अगर हम कंपेयर करें 30 साइकिल्स को, तो हम क्या देखते हैं कि SYBR जो है वो प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन हर एक साइकिल के बारे में, बहुत क्लियरली बता रही है, लेकिन जो इसकी स्पेसिफिसिटी की जो है वो टैकमैन प्रोब की ज़्यादा है। और ये जो है SYBR जो ग्रीन है, इट कैन सफ़र फ्रॉम सिग्नलिंग फॉर अनएक्सपेक्टेड डीएनए मॉलिक्यूल। तो दोनों में ही आप देख सकते हो टैकमैन प्रोब का कैसे आएगा टेम्परेचर वर्सेस फ्लोरोसेंस सिग्नल, और SYBR ग्रीन का कैसे आएगा। इन दोनों के अलावा बहुत सारे अनेकों प्रकार के प्रोब्स हम इस रियल टाइम PCR में उपयोग में लेते हैं। माइनर ग्रुप DNA बाइंडर प्रोब्स हो सकते हैं, हाइब्रिडाइजेशन प्रोब्स हो सकते हैं, सनराइज प्रोब्स हो सकते हैं, स्कॉर्पियन प्रोब्स हो सकते हैं, मॉलिकुलर डिकॉन्स हो सकते हैं, फ्लोरोसेंट रेजोनेंस एनर्जी ट्रांसफर्स हो सकते हैं। ये फ्लोरो प्रोब्स जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत जटिल होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, और इंटरकैलकुलेटिंग एजेंट्स का काम ये करते हैं। बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। पारंपरिक जो विधि है उसको अगर हम देखें तो डिसाइड करता है कि क्या आपका इफेक्टिवली चल रही है साइकिल, प्रिसाइसली आप कैलकुलेट कर सकते हो, आप मेल्ट कर्व को एनालाइज कर सकते हो, आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर सकते हो जीन एक्सप्रेशन का। ये बहुत फास्ट टेक्निक है नॉर्मल PCR से, ये लेस कॉम्प्लेक्स है उसको देखते हुए। तो इस तरह से हमने देखा कि इसके बहुत सारे एप्लीकेशन एरियाज़ हैं रियल टाइम PCR के, जैसे कि जीन एक्सप्रेशन एनालिसिस में है, डिजीज़ के डायग्नोसिस में है, मैनेजमेंट में है, जो भी आपका वायरल क्वांटिफिकेशन है, जैसे फॉर एग्जांपल नाउ यू आर हैविंग कोरोना वायरस, तो उस वायरस के क्वांटिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं। आपके जेनेटिकली मॉडिफाइड जो फूड हैं उनको हम एनालाइज कर सकते हैं, हम जीन कॉपी नंबर को ब्रीडिंग साइकिल्स में हम एनालाइज कर सकते हैं। तो हम आई होप डैट ऑल ऑफ यू आर बेनिफिटेड फ्रॉम दिस रियल टाइम PCR। थैंक यू फॉर